दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डीप वाटर मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसके एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी, और पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम विक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो साइकिल से अपने घर पहुँचता है, तो वहाँ पर उसकी वाइफ मेलिंडा उसका इंतजार कर रही थी। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। इस दौरान हम देख सकते थे कि विक अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। फिर जब वो लोग पार्टी में पहुंचते हैं तो वहाँ मेलिंडा की मुलाकात एक दोस्त जॉयल से होती है, जिसे वो किस कर रही थी। तो उसका हस्बैंड उसे देख लेता है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उसका हस्बैंड इस चीज पर कोई भी रिएक्ट नहीं करता। फिर जब विक ड्रिंक कर रहा होता है तो उसी दौरान उसके पास जॉयल आ जाता है, जो उसे पार्टी में इन्वाइट करने के लिए थैंक यू बोलता है। साथ ही साथ ये भी कहता है कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही अच्छे हो, तुम्हारी वाइफ और मैं बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। फिर विक जॉयल को मेलिंडा के पुराने दोस्त मार्टिन के बारे में बताता है और कहता है कि वो भी मेलिंडा के काफी क्लोज था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। ये सुनकर जॉयल काफी हैरान होता है और पूछता है कि क्या मेलिंडा को इस बारे में पता है। हालांकि उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि विक उसके साथ सिर्फ एक मजाक कर रहा है, लेकिन विक इस चीज के लिए साफ मना कर देता है और कहता है कि मेलिंडा को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। ये सब सुनने के बाद जॉयल मेलिंडा से बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इसलिए मेलिंडा अपने हस्बैंड से इस बारे में पूछती है कि क्या तुमने जॉयल को कुछ कहा, जिस पर वो साफ मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में जब विक अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में बैठा होता है तो माइल्स उससे पूछता है कि क्या तुमने जॉयल को डराने की कोशिश की, और अगर तुमने ऐसा किया है तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब मेलिंडा किसी के क्लोज हुई है। फिर जब वह घर पहुंचता है तो मेलिंडा को ये बात पता चल गई थी कि जॉयल को विक ने ही डराया है, इसी वजह से वो वहां से बिना कुछ बोले चला गया था। तभी मेलिंडा माफी मांगने के लिए जॉयल को डिनर पर बुलाने के लिए कहती है, जिसके बाद डिनर के लिए जॉयल उनके घर पर आता है। तो इस दौरान वो बताता है कि उसकी जॉब न्यू मैक्सिको में लग गई है, इसलिए वो कल ही यहाँ से शिफ्ट होने वाला है। जिसके बाद मेलिंडा अपने हस्बैंड विक से ट्रिक्सी को स्टोरी सुनाकर सुलाने के लिए कहती है। फिर जब विक ट्रिक्सी के रूम से बाहर आता है तो उसे मेलिंडा जॉयल के साथ मिलती है, इसलिए वो उसका ध्यान भटकाने के लिए किचन में बर्तन बजाने लगता है। तभी वहाँ पर मेलिंडा पहुँच जाती है, जो उसे जॉयल को ड्रिंक देने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर जब विक जॉयल के पास पहुँचता है तो जॉयल को लग रहा था कि विक उससे माफी मांगने वाला है, लेकिन वो उससे माफी नहीं मांगता और कहता है कि मैंने उस दिन जो कुछ भी बोला वो सब कुछ सच था, इसलिए तुम्हारी कैब आ चुकी है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि मेलिंडा और विक एक फैमिली गैदरिंग में पहुँचते हैं, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात लाइलन से होती है, जो विक से उसके काम के बारे में पूछता है। वो बताता है कि मिलिट्री ड्रोन के लिए चिप बनाया करता था। तभी हम देखते हैं कि विक लाइलन की वाइफ केली के साथ डांस करने लगता है। हालांकि इस बात से सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि विक कभी भी डांस नहीं किया करता था। इसी वजह से घर जाते वक्त मेलिंडा विक से लड़ाई करती है और कहती है कि मैंने देखा था कि तुम केली के साथ बहुत खुश थे। साथ ही ये भी पूछती है कि क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर है। इस बात पर विक उसे समझाने की कोशिश करता है कि जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। एक सीन में हम देखते हैं कि विक के पास बैंक से कॉल आता है कि मेलिंडा ने किसी चाल साम के आदमी को पियानो लेसन के लिए $3,000 का ट्रांजेक्शन किया है, लेकिन अकाउंट में पैसे ना होने की वजह से पेमेंट रोक दी गई है। इसके बाद विक अपनी वाइफ पर नजर रखने के लिए उस आदमी चार्ल्स के कॉन्सर्ट में पहुंचता है, तो वो देखता है कि वहां पर उसकी वाइफ भी मौजूद है, जो चार्ल्स के साथ बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। इसके बाद जब विक घर पहुंचता है तो उसे न्यूज से पता चलता है कि मार्टिन की डेड बॉडी पुलिस ऑफिसर्स को मिल गई है, और किसी ने उसे बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। जब उसकी वाइफ लेट नाइट घर आती है तो वो अपनी वाइफ को भी बता देता है कि पुलिस ऑफिसर्स को मार्टिन की डेड बॉडी मिल गई है, और जब वो उसे पूछती है कि क्या तुमने मार्टिन को मारा है, तो वो इस चीज पर कोई भी जवाब नहीं देता। इधर हम मेलिंडा को देखते हैं जो चार्ल्स के साथ होती है, जिस वजह से वो रात को घर भी नहीं आती। और जब सुबह विक उससे पूछता है कि कल रात तुम क्यों नहीं आई, वो इस बात पर कोई भी जवाब नहीं देती, जिस बात से विक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी वाइफ मेलिंडा को चार्ल्स से मिलने के लिए मना करता है। लेकिन वो कहती है कि अगर मैं इस चीज से मना कर दूं तो तुम क्या करोगे, मुझे डिवोर्स दे दोगे। फिर वो लोग माइल्स की पार्टी में जाते हैं और इस दौरान वो काफी एंजॉय कर रहे थे। उसी दौरान वहां पर चार्ल्स को देखकर विक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद जब सभी लोग पूल में नहाने के लिए जा रहे होते हैं तो विक मेलिंडा को ढूंढते हुए घर के अंदर आता है, जहां उसे दिखाई देता है कि मेलिंडा चार्ल्स के साथ
रात उसके रूम से बाहर निकल रही है। ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है, लेकिन वो अपनी वाइफ से कुछ कह भी नहीं पाता। और जब वह पूल के किनारे बैठा होता है तो मेलिंडा चार्ल्स के साथ काफी इंजॉय कर रही होती है। यहाँ पर हम देख सकते थे कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। और तभी अचानक से वहाँ बारिश होने लगती है, जिस वजह से सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं और बाहर सिर्फ विक और चार्ल्स रह जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद विक भी घर के अंदर आ जाता है। फिर जब मेलिंडा चार्ल्स को देखने के लिए बाहर जाती है तो अचानक से वो चिल्लाने लगती है। इसलिए जब सब लोग बाहर आकर चेक करते हैं तो पूल में चार्ल्स की बॉडी पड़ी थी, जिसे बाहर निकालने की और CPR देकर होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस चीज में नाकाम थे क्योंकि वो पहले ही मर चुका था। तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर आते हैं जो सबसे पूछताछ करते हैं। तो मेलिंडा अचानक से बोलती है कि चार्ल्स को मारने वाला कोई और नहीं, मेरा हस्बैंड विक है। इस बात से वहां मौजूद सभी लोग बहुत हैरान होते हैं, लेकिन जब पुलिस ऑफिसर विक से इस बारे में पूछता है तो वो इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें झलक दिखाई जाती है कि चार्ल्स को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि विक ही है। और विक ने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि उसने चार्ल्स को अपनी वाइफ मेलिंडा के साथ देखा था, जो चीज वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सका। फिर जब विक साइकिलिंग करके वापस आ रहा होता है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, जिस बात से वो थोड़ा हैरान था। तभी ट्रिक्सी के स्कूल में उसकी मुलाकात केली से होती है, जो उसे बताती है कि मेरे हस्बैंड सब लोगों से ये बात कह रहे हैं कि तुमने ही चार्ल्स को मारा है, जो चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी वजह से वो उन दोनों को डिनर पर बुलाता है। इस दौरान विक लैलन को अपनी छोटी सी लैब दिखाता है जिसमें उसने स्नेल पाल रखे थे। साथ ही उसे वो कहता है कि तुम सब लोगों से ये बोलना बंद कर दो कि मैंने ही चार्ल्स को मारा है। सुनकर वो कहता है कि अगर तुमने उसे नहीं मारा तो वो कैसे मरा, जिस पर विक कहता है कि वो सिर्फ एक पूल एक्सीडेंट था जो हर साल होते रहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग विक को वही गाड़ी दिखाई देती है जो उसका पीछा कर रही थी, जहाँ रेस्टोरेंट में अंदर पहुँचने पर उसे पता चलता है कि वहाँ पर उसकी वाइफ भी मौजूद है, जो उस आदमी के साथ लंच कर रही थी जो विक का पीछा कर रहा था। इस दौरान वो आदमी अपना नाम डॉन बताता है, साथ ही साथ ये भी बताता है कि मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। लेकिन जब विक उससे उसका कार्ड मांगता है तो वो बहाना करके इस चीज के लिए मना कर देता है। वहीं हम देखते हैं कि विक लायन के घर पहुंच जाता है और उसकी वाइफ को बताता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने मुझ पर नजर रखने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रखा हुआ है, जिसके पैसे खुद मेरी वाइफ मेलिंडा ने इसे दिए हैं। हालांकि वो इस चीज के लिए मना करता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन विक उसे प्रूफ दिखाता है, जिसे देखकर केली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद विक मेलिंडा को टोनी नाम के एक आदमी के साथ देखता है। उसी रात विक देखता है कि मेलिंडा किसी से फोन पर बात कर रही है, जो उससे ब्राजील जाने के बारे में डिस्कस कर रही थी। ये सुनकर विक को बहुत गुस्सा आता है, और क्योंकि टोनी उसका फेसबुक फ्रेंड था इसलिए विक उसे अपने घर पर इनवाइट कर लेता है। तो उसे देखकर मेलिंडा भी काफी खुश होती है और बताती है कि जब मैं अमेरिका आई तो ये मेरा पहला बॉयफ्रेंड था। फिर वो लोग साथ में इंजॉय करने लगते हैं, जिसके थोड़ी ही देर बाद मेलिंडा टोनी को अपने साथ ले जाती है और उन्हें साथ देखकर विक बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। फिर अगले दिन वो गाड़ी लेकर टोनी को फॉलो करता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिसके बाद वो उसे एक जंगल में ले जाता है जहाँ पर उसकी फैमिली हाइकिंग किया करती थी। साथ ही वो टोनी को ये भी बोलता है कि मेलिंडा तुम्हारा वहाँ पर इंतजार कर रही है। लेकिन वहाँ पहुँचते ही विक उस पर एक पत्थर से अटैक कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसका सर एक पत्थर से टकरा की वजह से टोनी वहीं पर बेरहमी से मारा जाता है। फिर विक उसकी डेड बॉडी को पत्थर की मदद से बांध देता है ताकि वो पानी में डूब जाए। हालांकि इस दौरान वो उसकी आइडेंटिटी भी अपने साथ रख लेता है, जिससे कोई भी उसे पहचान न सके। और जब विक अपने घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ मेलिंडा उससे टोनी के बारे में पूछती है, लेकिन उसके पास इस चीज का कोई भी जवाब नहीं था। फिर वो लोग हाइकिंग के लिए उसी जंगल में पहुंचते हैं जहां पर विक ने टोनी को मारा था। इस दौरान विक मेलिंडा को एक गिफ्ट देता है, जिसे देखकर वो काफी हो जाती है क्योंकि उसमें उसकी प्रेगनेंसी की तस्वीरें थी। तभी ट्रिक्सी लेक के किनारे पहुंच जाती है, इसलिए उसे बुलाने के लिए विक वहां पहुंचता है तो उसे वहां पर टोनी की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है और अपनी फैमिली के साथ वहां से तुरंत निकल जाता है। लेकिन जब वो लोग घर जा रहे होते हैं तो मेलिंडा उससे कहती है कि मैं अपना स्कार्फ वहीं पर भूल गई हूं। तो वो कहता है कि मैं कल सुबह सबसे पहले जाकर तुम्हारा स्कार्फ ले आऊंगा, जिस बात से वो काफी खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात में विक मेलिंडा से पूछता है कि क्या तुम उस रात टोनी से फोन पर बात कर रही थी, जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैं डॉन से बात कर रही थी। फिर मेलिंडा विक को अपने साथ ही रूम में सोने के लिए कहती है, जहां पर वो उससे कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। ये सुनकर विक खुश हो जाता है। अगली सुबह जब विक साइकिलिंग पर जाता है तो मेलिंडा उसे ढूंढ रही होती है, तो वो उसे ढूंढते हुए स्नेल लैब में
में पहुंचती है तो उस दौरान उसे टोनी का पर्स मिल जाता है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि टोनी के गायब होने में किसी और का नहीं बल्कि उसके हस्बैंड विक का ही हाथ है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि विक भी जंगल में पहुंच जाता है और आसपास किसी को ना देखकर एक लकड़ी की मदद से उस डेड बॉडी को पानी में बहाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर लाइलन आ जाता है जो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। हालांकि पहले तो विक उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन लाइलन की नजर उस डेड बॉडी पर पड़ जाती है, जिसे देखकर वो काफी घबराकर वहां से भागने लगता है। इसलिए विक भी साइकिल से उसका पीछा करता है और अचानक से उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है, जिससे उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और लाइलन खाई में गिरने की वजह से बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है। इधर मेलिंडा घर छोड़कर जाने के लिए पैकिंग कर रही होती है, लेकिन ट्रिक्सी उसके बैग को उठाकर पूल में फेंक देती है और कहती है कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ये देखकर मेलिंडा काफी इमोशनल हो जाती है। फिर जब विक घर पहुंचता है और उसे देखकर वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वो कुछ जानती ही नहीं। यहाँ पर हमें झलक दिखाई जाती है कि मेलिंडा ने अपने हस्बैंड को बचाने के लिए टोनी के आईडी कार्ड जला दिए हैं। तो दोस्तों ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आप लोग को इसके एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।